यार इस आदमी की भी हिम्मत है, गंद में से उठा उठा खा रहा है। भाई ये आदमी ऐसे खाता है, अल्लाह वाले ऐसे होते हैं, ये जिसको दुआ दे देना उसका भला हो जाता है। ठीक है तो चलो। हाँ तो चलो तो चलो। ये क्या कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। क्यों ना मैं इस अल्लाह वाले की सेवा कर लूं, क्यों ना मैं इसकी दुआएं ले लूं, मेरा भला भी हो जाएगा और इनकी सेवा भी हो जाएगी। ऐसा करती हूँ, बाबा को अपने घर लेके चलती हूँ। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बच्चा, कौन हो तुम, दुखियारी लग रही हो। हाँ बाबा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? हम बाबा सरभंग है, हम सब जानते हैं। हाँ बाबा, मेरी सास मुझे रोज ताने मारती है, कहती है 4 साल निकाह को हो गए लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। हमें तो ये पता था। बाबा मेरे पे दुआ कर दो। देखो बच्चा, हम दुआ नहीं करते, दुआ तो हमारे गुरु करते हैं। कहाँ है तुम्हारे गुरु? वो हमारे दिल में रहते हैं। गुरु कब मेहरबान हो जाए पता नहीं, गुरु का नाम लेना ही उनकी सेवा है, हमें उनकी सेवा करनी है। बाबा मैं आपके गुरु की भी सेवा कर लूंगी। हमारी सेवा की तो हमारे गुरु की सेवा हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं आपकी भी सेवा कर दूंगी, दुआ कर दो। ऐसे नहीं, अपनी सास के सामने हमारी सेवा करो, जब दुआ होगी। मगर बाबा सास तो घर पे है, मैं तो वैसी आई थी यहाँ। देखो अगर तुम्हें अपना भला कराना है और गुरु की दुआ लेनी है तो मुझे अपने घर पर रखना होगा, पता नहीं गुरु कब मेहरबान हो जाए। ये सही कह रहे हो बाबा, चलो तो मेरे घर चलो। सास के तानों से तो बाबा की सेवा कर लूं ये अच्छा है। रिश्तेदार बना के ले जाऊंगी बाबा को और सेवा कर लूंगी, जिस दिन गुरु जी की दुआ हो गई बाबा को वापस भेज दूंगी। क्या सोच रही हो बच्चा? कुछ नहीं बाबा, मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हें अपना नकली फूफा बना के लेके चलती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं वहाँ कोई बात बोलूँ तो कोई बीच में टांग ना अड़ावे। ये मेरी जिम्मेदारी है बाबा, मेरे शेख जी बहुत अच्छे हैं। तो ठीक है, मैं आज से अपना नाम ही फूफा रख लेता हूँ। ठीक है तो चलो फूफा। चलो आओ खड़े हो। बीच में टोक दिया ना, कर दिया ना ध्यान भंग, पूरा कंटेंशन बना हुआ था। इस बात में तो बहुत ध्यान दे रहा, खाने कमाने में तो नहीं लगाता। वो तो अच्छा है ऊपर वाले ने बहु अच्छी दे दी, वरना घर घर रोटी मांगता फिरता। अम्मी रोटी की तो ऊपर वाले ने सबकी जिम्मेदारी ले रखी है, रोटी तो उसे देनी पड़ेगी। ऐसे ही ना देता वो रोटी, कुछ करना पड़ता है जब मिलती है रोटी। और हाँ रुखसाना कहाँ गई है, मुझे भूख लग रही है, दिखा खूब पागलपन दिखा, तू बालक नहीं है। घर में कौन कौन रहते हैं बेटी? फूफा, मेरे घर मेरे शेख जी हैं, मैं हूँ, मेरी सास है, बस हम तीन ही रहते हैं। चलो ठीक है, पर घर है कितनी दूर? यही तो है घर, ये वाला। हाँ अच्छा। अम्मी रुखसाना तो वो आ गई, कहाँ चली गई थी अम्मी, मेरी जान खा रही है, अरे ये कौन है सांड? चलो शेख जी, वो फूफा मिल गए थे, रास्ते में घूम रहे थे, घर नहीं मिल रहा था, पूरे गांव में भटक रहे थे, मैं जा रही थी, मुझे मिल गए, मैं ले आई। ठीक है था, मैं जाता हूँ। बार उसाना, मैं क्या बोलूँ सांड को, ठीक है था, चल फूफा, तू आज से हुआ शेख दिल्ली का फूफा। फूफा? मैं किसका फूफा? मैं उल्टी सीधी सिकल के सब हमारे घर पे मरे, इसका फूफा फेंक दूँ आप? लाहौल बिलापुर, ये तो बड़ा बदतमीज आदमी है, तुम मेरी बेइज्जती करवाने आ लाई हो, मैं चला। शेख जी चुप करो, ये मेरे फूफा है, इनकी कोई आस औलाद नहीं है, कुछ दिन रहेंगे चले जाएंगे, क्यों अम्मी? हाँ सही कह रही है। ठीक है जो अम्मी कहेगी तो ठीक है। हाँ हाँ ठीक ही तो कह रही है, और जब इसका फूफा है तो रह लेंगे 2-4 दिन, और बेटा बड़ों की खिदमत करने में तो दुआ मिलती है। अम्मी मैंने भी तो यही कहा। क्या कहा तूने? कुछ नहीं कहा मैंने, जाओ कुछ खाने पीने को ले आओ बाजार से। देखो फूफा, हाँ बाजार में मेरी बेइज्जती ना हो जाए, पैसे कम है मेरे पे। नहीं होगी बच्चा। हाँ कभी वहाँ कुछ ना कुछ मांगो। ठीक है चलो। बा कहाँ जा रहे फूफा, इधर तो सुनो, सब्जी की दुकान यानी सब्जी की दुकान आगे है, मुझे बर्फी खानी है। बर्फी बाद में खा ली, सब्जी लेनी है। मैं रुखसाना से बोल दूंगा।
फिर खाले एक बर्फी, ये दुकान तो जानने वाले की है। ला फल मिश्रा का। हाँ शेख जी। भाई एक बर्फी खिला दिया, ये रुखसाना का फूफा पैसे बाद में आ जाएंगे। ठीक है ले जाओ। ले फूफा खाले बर्फी। मीठी है? अच्छी है, मीठी है, मीठी है। खाले फूफा खाले, हमें तो सेवा करनी है। एक ठंडे की बोतल पिला दो। बोतल सड़क रहा, पहले सब्जी के लिए आए, रुखसाना मारेगी फिर। बोतल पिला दे, बोतल पिला दे। मैं जाके रुखसाना से बोल दूंगा। ओए हाय, लारे एक बोतल और दे दियो भैया। पैसे अपना आप ही भिजवा दियो। ले पी ले फूफा, बोतल पी। शेख चिल्ली, हाँ। मेरा मुर्गे को मन कर रहा है, मुर्गा भी खिला दो ना। मुर्गा खा ले, मुझे खा ले। ले मैं सब्जी लेना, फूफा के बच्चे। मैं रुखसाना से बोल दूंगा। ओए ओए, रुखसाना से मत कहिए, चलो बाजार में। चल शेख जी, हाँ। मुझे तहमत भी चाहिए। अबे ना, यहाँ क्या तहमत मिल रहा है, इधर चाय की दुकान है, आ जा। चल चल, दारू पिला दे। लाहौल वाला कुवत देख ले फूफा, आप सब्जी लेके घर जाएंगे बस। आ आ चल चलेगा, खा ले चल। शेख चिल्ली, बर्गर खाऊंगा। भैया एक बर्गर दे दिया फूफा को हमारे को। ले चल ले जल्दी ले ले भैया, पैसे ले अपने, ये ले, चल जल्दी खा ले। शेख चिल्ली, जूस पिला दे। पैसे कम है, बिगड़ जूस के रह ले। पीऊंगा। जूस वाली एक गिलास जूस दे दियो फूफा को। लो पैसे लो। ओबे इधर माल से टकरा, सब्जी के पैसे सारे खा जाएगा, थोड़े से बच रहे। चल 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 चल। आए हाय, मैं पैसे देते हैं नहीं, फिर सब्जी खा के ले जाऊंगा। चल तुझे पहले चलते हैं, मन दिवाता हूँ। भी दिवा दिया और तैमंदी भी दिवा दिया, ये रख और मैं चला अपने घर। शेख जी चप्पल भी पहनूंगा। अपनी आई तेजी मर जा, बेकार की बात मत कर। तू मैं जा रहा हूँ, तू अपना बाजी है। तू ऐसा कर शेख चिल्ली, तू जा, मैं आ रिया हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ आ जाऊंगा। मन कर आ जाए मत ये। नहीं नहीं आ जाऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है। पैसे सब उठा दिए फूफा ने, मैं तो घर जा रहा हूँ, सब्जी खा के ले जाऊंगा। अरे मर नहीं छोड़ जाऊंगा, आने का ना राड कटी। अच्छा फूफा बना, सारे पैसे टवा दिए, अब सब्जी के पैसे नहीं है। मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला, मुझे बिस्कुट खिला, मुझे मुर्गा खिला, मुझे बर्गर खिला, जूस पिला, अब रुक जाना लड़ेगी मेरे से, सब्जी खा के ले जाऊंगा। मेरा ऊपर चढ़ाएगा, मैं तो वैसी मुसीबत का मारा सालो। ओबे तेज ले जा रहा, तेज। ओबे तू कहाँ अड़ गया? ओबे निकल लू निकल लू। हाँ बदतमीजा, साले की राड कटी, ना आएगा और ना सिकल दिखाएगा साला। हाँ उसकी फरमाइशी पूरी ना हुई, मुझे थका दिया, पैसे उठवा दिए। आया साला फूफा का बच्चा। हाँ साला ऐसा जिगरा, साला मट्टी तेल छिड़क आग लगा दू साले में। हाँ आया फूफा फूफा, साला फूफा आया, साला आया, साला फूफा फूफा। मैंने ऐसा करा साले को रास्ते में फूंक देता। हाँ उधर उकसाने की शर्म थी, सेवा में मर रही है, सेवा में मर रही है। साले ने मेरा हिरन बना दिया वहाँ। अरे क्या बड़बड़ा रहा, अरे कुछ लाया नहीं, खाली हाथ हिलाता चला रहा। समझ नहीं लाया, समझ नहीं लाया। मैं जो तुमने पैसे दिए सारे फूफा सटक गया।
फूफा कैसे सटक गए, अब मैं क्या बनाऊंगी? फूफा के खिदमत में तो कमी रह जाएगी। खिदमत 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 गई भाट मसाली। भाऊ ने मेरे से इतनी खिदमत करवा ली, कोई छह महीने में खिदमत नहीं करवाता। बेटा कुछ तो लिया था। देखो अम्मी, अगर घर आए मेहमान की सेवा में कुछ कमी रह गई तो दुआ कैसे लगेगी? अम्मी तू ले ले बद्दुआ, तुझे तो फिर भी मरना है ही। दुआ 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 गई भाड़ में, हमें ना किसी दुआ की जरूरत। रुक जा ना, तू उसे किसी तरह से भगा दे कोई भी बहाना करके। अरे क्या कह रहा तू? अम्मी मेरा मतलब ये था कि बड़ों को तो सबको मरना है ही। मैं सोचती हूँ तरकीब, अब देख मेरा ड्रामा। मगर फूफा ने बद्दुआ दे दी तो? चुप कर, अम्मी को सोचने दे, सोच अम्मी। ये ऐसे वैसे नहीं जावे, मैं ऐसा बहाना बनाती हूँ जो ये भागा चला जा। बेटा तेरे गांव वाले मुझे मारने के चक्कर में मेरे पीछे लठ लेकर आ रहे। मगर क्यों, कौन मार रहा तुम्हें, हमें बताओ। ये तो शेख चिल्ली का घर है। हाँ शेख चिल्ली का घर है ये। शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली दरवाजा खोल। बेटा शेख चिल्ली, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, जरा देखियो किसकी इतनी हिम्मत है जो हमारे रिश्तेदार पे हाथ उठाए। ऐसा करो जी, आप अंदर जाओ। चलो दरवाजा खोलते हैं। शेख जी कौन है? शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली दरवाजा खोल। बा कौन है घर चिल्ला रहा? बा किसी की मेहमान नवाजी इस तरह करते हो तुम लोग? शर्मानी चाहिए तुम्हें, अगर तुम्हें मेहमान ने बद्दुआ दे दी तो? खबरदार, जो आगे कदम बढ़ाया सारे आ जाओ गांव वाले। तुम्हारे घर में मेहमान नहीं आते क्या? हाँ आते मेहमान, पर सबके मेहमान पागलपन नहीं करते तुम्हारे मेहमान की तरह। क्या पागलपन कर दिया हमारे फूफा जी ने? तू चुप कर, हम पूछते। हमें बोलो 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 क्या करा हमारे फूफा जी ने? शेखू बेटा तू चुप हो जा, मैं पूछती हूँ। ओ भाई, तुम्हारी कौन सी लड़की छेड़ दी जो दोनों के दोनों लठ लेकर आए हो? अगर लड़की छेड़ता तो आना चलता हमारा। हाँ फिर तो हम गलती मानते। अरे तुमने हमारी सुनी ही कहाँ, इसने तुम्हारे फूफा ने अनवर की लड़की को छेड़ दिया। लड़की छेड़ दी? खुदा से डरो, तोबा करो तोबा। गवाह है कोई? हम गवाह हैं। यूँ कह रहा था, मेरी कट्टो मेरी गोदी में आ जा, बर्फी खिलाऊंगा। ठीक है, ये बात कही है तो गलती है, हम बुलाते हैं। शेखू जरा बुलाना। क्यों बुला रहे हो? शेख जी बद्दुआ दे देंगे, दुआ की फिक्र करो। दुआ की? दुआ गई भाड़ में, दुआ की बात करो दुआ की। यहाँ बेइज्जती हो रही है। ऊपा ए सांड, बाहर आओ, बाहर निकल के आओ। बाहर आओ ऊपा, रुखसाना बेटा मेरी कोई गलती नहीं थी। कोई गलती नहीं की? अरे लोग क्या कर रहे हैं, तूने अकबर की लड़की को कट्टो कहा। क्या नाम लड़की का? लल्लो है, लल्लो। लल्लो लड़की का नाम है, तूने कट्टो कहा। तो गलती नहीं तुम्हारी? मेरी कोई गलती नहीं है, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मतलब हम झूठे हैं, पूरे गांव को झूठा बना रहा। मारो साले को। क्या कहा? फूफा है मेरा, तुम्हें बद्दुआ लगेगी। फूफा होगा तेरा, मारो साले को। इधर आ, छेड़ दे। मर गया, मर गया, मर गया, ये ले, छुड़वा दो, मार, छुड़वा दो, मार, भाई जान तुम को सही, मार, ये ले, छुड़वा दो, बद्दुआ दे दूँगा, बद्दुआ दे दूँगा, लगा लगा, छेड़ेगा, 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 छुड़वा दे, छुड़वा दे, बेटा, बेटा छुड़वा दे, आ, आई, छेड़, छेड़ लड़की, आई, मारो साले मैं, साथ बजाओ, आ, 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 हाँ मैं छोड़ूंगा लड़की। ले बेटा छुड़वा दो, छेड़ लड़की छुड़वा दो बेटा, बेटा लड़की छेड़ा। कैसी गलती है? मैं सुन रहा हूँ, बुढ़ापे में लड़की छेड़ते हैं। छुड़वा दे बेटा, बेटा छुड़वा दे, तुम्हारे सारे जान से मार दूँगा मैं। हाँ 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 हा
अजी हम हाथ जोड़ते हैं, गलती थी तभी तो ये पिटा, वरना ये नो बताती। अब तो तसल्ली पड़ गई, तुम्हें तो दुआ बद्दुआ का पता ही नहीं है। रुखसाना चुप हो जा, वरना तेरी दुआ बद्दुआ निकाल दूंगा। जाओ भी जाओ, कैसे भी हो हम इन्हें भगा देंगे। मगर दुआ का क्या होगा? तेरी दुआ तो मैं निकाल दूंगा तेरी बद्दुआ। जाओ भी जाओ, इनकी गलती थी, अब तुमने इन्हें पीट तो लिया। मगर अम्मी दुआ। चुप क्यों हो जा, वरना इसकी दुआ तेरी बद्दुआ निकाल दूंगा। जाओ भैया जाओ, तुम अपने घर को जाओ, चल अंदर चले जा। मगर अम्मी तू क्या सोच रही थी, ये जाएगा कैसे? पापा तू अंदर आ, तेरी फिक्र सही होगी, तू अंदर बैठ। शेखू बेटा, इसे तो भेजना पड़ेगा, वरना रोज तमाशा होगा, रोज ड्रामा होगा यहाँ पे। भेजना तो पड़ेगा इसे, मगर ये जाएगा कैसे? अपनी अम्मी का अब तो इलम देख। अम्मी कैसे जाएगा? यू जाएगा, जाएगा कैसे नहीं, अब देख तेरी अम्मी इसे कैसे भगाती है। ठीक है अम्मी। मेरे तो पूरे बदन में दर्द हो रहा। फूफा, तुमने कुछ कहा था? या गांव वाले ऐसे पागल हैं? पागल है, मैं सच्ची कह रहा हूँ, बिल्कुल पागल है। अगर तुम सच्ची कहते इतनी मत, हाथ उठाते तुम पर। सच्ची बताओ, तुमने कुछ कहा तो नहीं था? मुझे न बता रहे, तुम ही पूछ लो। मैं कुछ नहीं पूछ रहा, ऐसा कर तुम अपने घर को जाओ। बहुत होली फूफा, हमें ऐसा फूफा की जरूरत नहीं है, अपने घर को जाओ। आज तुम खुद बेटा, कल हमारा नंबर आने वाला, ऐसा करो, ऐसा बहुत जल्दी निकलो। शेख जी, बद्दुआ लगेगी, ऐसा मत बोलो। तेरी बद्दुआ निकालूंगा, तेरी बद्दुआ निकालूंगा, तेरी बद्दुआ निकालूंगा, तेरी बद्दुआ, तेरी बद्दुआ, तेरी बद्दुआ। अबे तू पागल का पागल, भूल जैसी बच्ची को मार रहा, तुझे शर्म नहीं आती? आती है, हमें शर्म आती है। तू ऐसा कर, अपने घर को चला जा। अरे पागल, मैं रुखसाना का फूफा हूँ। फूफा गया भाड़ में, तुझे शर्म आनी चाहिए। जब तेरे चक्कर में हमारे घर में लड़ाई हो रही है, तो तुझे अपने घर में जाना चाहिए। देख, जब तक रुखसाना नहीं कहेगी, मैं जाने वाला नहीं हूँ। जाना तो पड़ेगा, अम्मी के इलम से कैसे बचेगा बेटा फूफा? जरा उसे कैसे आएगा? रुखसाना, तू बता, मैंने कुछ गलत कह दिया? फूफा, जब तुम ऐसे लपड़े करोगे तो मुझे कुछ तो कहना पड़ेगा। और वो दुआ? हाँ, वो दुआ, वो तो है। वो तो है, एक बात सुनिए, वो गांव वाले सब झूठ बोल रहे हैं। क्या गांव वालों की बात झूठी है? मैंने कहा था उसे कट्टो, मगर उस लड़की को एक लड़का कह रहा था। कट्टो, तू मेरी कट्टो है, तू मेरी बाहों में आ जा। तुमने ऐसा कहा फूफा? हाँ, मैंने भी सोचा इस गांव का यही रिवाज होगा, मैंने भी कह दिया मेरी कट्टो आजा, मेरी बाहों में आजा। देखा, ये पागलपनी तो और क्या है? उसे किसी ने कुछ नहीं कहा और मेरे पीछे लट लेकर आ गए, मेरे पे बजा दिया। इसमें तो कोई गलती नहीं है फूफा की, उसे तो किसी ने कुछ नहीं कही। कोई बात नहीं फूफा जी, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। जला दे खाना, करा दे भोजन, सारी तेरे चढ़ा रखा सिर पे। बेटा शेख, अपनी अम्मी से पूछ, ये क्यों रो रही है? अम्मी, क्या बात हो गई? कुछ गलत हो गया क्या? क्यों रो रही हो? फूफा को रोटी खा लें दो। क्या बात हुई अम्मी? बुढ़ापे में इशारा कर रही है। कान बता दे। सुन के भी चुपचाप बैठा है। अम्मी तेरे को आ जा, तेरे को बैठ जाते हैं, अम्मी तेरे को बैठ जाते हैं, जरा रोटी रख दे, आ जा इधर। अरे क्या बात है, बता तू सिर्फ।
बेटा ऐसे क्यों कर रहा है? मुझे मार क्यों रहा है? अरे अनाथ तुम्हारी दुआ का क्या होगा? तुम मुझे पीट रहे हो, कुछ हो भी गया। अरे बताओ तो सही कुछ क्या हुआ? शेखू की अम्मी तुम्हें बता दो क्या हुआ? रोले रे पप्पा, क्या हुआ? अरे पप्पा तू रो रो के अपने आंसू बहा दे रे पप्पा। चला मार 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 मार। अनाथ हो गया, तेरा अप्पू मर गया रे पुप्पा। अप्पू पर रोटी नहीं खाने वाला, क्योंकि मेरा अप्पू मरा था ना, तो मैंने 8 दिन रोटी नहीं खाई थी। जब मेरा अप्पू मरा मैं 8 दिन तक भूखा रहा। अप्पू पर रुकने वाला नहीं है तेरे घर में। आए अल्लाह, मैंने तो फूफा के लिए मन से खाना बनाया था, अब कैसे खाएंगे फूफा? फूफा की सब फूफा निकल गई सब फूफा। खाना फूफा का तो बाप मर गया, हराम जाते तुझे खाने की पड़ी है। खाली उनका मर गया। जा बेटा जा, गांव के बाहर ले जा, और जब तक बस में ना बैठे लौट के ना आई हो, बस में बैठा का आई हो। चला अम्मी ठीक कह रही है, तू ये खाना अंदर रख गया, अब भूपा खाने वाला नहीं है। भूपा ऐसा कर, तू अब निकल ले चल, ये छोड़ खाऊ तुझे। अरे रुखसाना तू इन्हें कहने दे, अरे तू मुझे खाना दे, मुझे खाना। हाय अल्लाह, कैसा आदमी है, तेरा तो बाप मरा पड़ा है और तुझे खाने की पड़ी हुई है। तू कैसा सबर से बैठ रहा फूफा के बच्चे? तुझे पता जब मेरा बाप मरा था ना, मैंने 8 दिन तक खाना नहीं खाया था, लोगों ने खूब कहा, और तू कैसे बैठा चैन से? मैं यहाँ ऐसे बैठा, जब मेरा बाप मरा था मैंने 8 दिन तक खाना नहीं खाया था। मुझे लाख पट्टी दे रहे हो, मेरे बाप को मरे पूरे 12 साल हो गए। रुखसाना तू मुझे खाना दे, मुझे खाना। क्या तुम फूफा को भगाने के लिए ढोंग कर रहे थे? शेख जी अगर फूफा चले गए तो दुआ का क्या होगा, सोचो। सच मारूंगा सारे, भी निकाल दूंगा दुआ सारी। ले रोटी सटका ले, मैं तो जा रहा हूँ, दे दे रोटी से। ले खा ले रोटी, पर एक बात कान खोल के सुन ले, अब की बार कोई बदनामी या कोई उलहना ना आ जा। खाओ फूफा तुम खाओ। शेख सिल्ली आ रहा भाई, शेख सिल्ली से मजे लेते हैं। अरे शेख सिल्ली, हाँ जी। कहाँ जा रहा है? आओ यहाँ बैठो। हाँ मास्टर जी बताओ। परसों कैसे ड्रामा हो रहा था यहाँ, बहुत भीड़ हो रही। और बताओ, मैं तो जानता नहीं आपको। अच्छा वो फूफा आ रहा हमारा। फुपारा? हाँ। तुम्हारे बाप का तो बहन थी ही नहीं, फूफा कहाँ से आगा? भाई जान रुखसाना का फूफा, अब क्या बताऊँ, हमें भी कहनी पड़े, अब हमारा हो तो झेल भी लूँ। फिर और क्या है वो? भाई साहब वो फूफा क्या, वो तो बिल्कुल फूफा है, नाक में दम कर रखा, बताओ क्या करूँ, परेशान हूँ। भाई तरकीब तो मैं बता दूंगा, पर 100 रुपए दूंगा। बता भाई, ये ले 100 रुपए, तरकीब बता। कान इधर ला। ठीक है। ओए, मगर यार कुछ गड़बड़ ना हो जा। कुछ गड़बड़ ना हो रही, जब भी वो खाना खावे उसके खाने में सरबत खट मिला देना, बस तेरा काम हो जाएगा। ठीक है ना, सरबत खट दे। ठीक है मास्टर जी। अम्मी,
आ गया बेटा, कुछ कमा के लाया? शेख जी, फूफा के लिए कुछ लाए या ना? कुछ दुआ दवा का ख्याल है या नहीं? हाँ, ख्याल है, दुआ का ख्याल है। ये लाया हूँ सरवट खट। क्या बेटा, सरवट खट? हाँ। ला मुझे दे, मैं खा लूँ। ऐसे नहीं खा ले, ये खाने में खिलाई जाती है, खाने के साथ खाते। खाना तो मैंने पका लिया है। खाना पका लिया? हाँ। खाना ला, फूफा का सरवट खट खिलाते, खाएगा सरवट खट, आराम आ जाएगा झट। अभी लाती हूँ। खाना जल्दी लाओ। ये सरवट खट, ये सरवट खट, खाते आराम करे झट। खा फूफा, खा, खेच जा, खेच जा, खेच जा, समझ ना, पूरी पूरी डाल दी मैंने, थोड़ी सी बचाई है, पता ना कहाँ कम बढ़ती पड़ने लगे। हैं फूफा, सरबत खट में स्वाद आ रहा है ना? हाँ, बहुत आ रहा है। खेच जा, खेच जा। क्या बात हुई, खाओ खाओ। अम्मी, मुझे लगा आराम लगा झट। अच्छा? हाँ, इन खाली सरबत खट हो गया पट। हाय अल्लाह, बेटा ये तो मर गया, इसे क्या खिला दिया तूने? शेख जी, अगर किसी को पता चल गया ना तो तुम्हें जेल हो जाएगी। बार रुखसाना, तुझे तो दुआ लगी जाएगी। शेख जी, दुआ गई भाड़ में, मुझे तुमसे लगनी हो ना, अब क्या होगा? मुझे सब बतला दिया उस आदमी ने, इसे रख क्या, जा जल्दी। रुखसाना। हाँ शेख जी। फूफा ने खाली सरबत खट, इसे आराम लग गया झट। अब ऐसे करो, इसे मैं और तू और अम्मी इसे ले जाके कहीं कर देंगे पट। ये ठीक है। चलो चलो, उठाओ उठाओ उठाओ। सबूत नहीं छोड़ना चाहिए कोई। रुक जाना, इधर आ। हाँ शेख जी, क्या उसके इस बात जल्दी अंदर हुआ। ठीक है, तू इसे पकड़ 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 ले। अम्मी इधर आ, जल्दी भाग के इधर आ।
पता चल गया फूफा। शेख चिल्ली, शेख चिल्ली हैं? ओए तो जिंदा हो गया आरामी। शेख चिल्ली रुक सा ना बेटा, दुआ का क्या होगा? भाईजान मैं तो जिंदा हो गया फूफा। फूफा? अरे किसका फूफा? अरे साले हम दोनों तो ठग हैं। सालो मैं किसी का फूफा ना हूँ, तुमने मुझे गांव वालों से पिटवाया। इसका मतलब मैं झूठी सेवा कर रही थी? नमक हराम, फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। गरीब की मदद को ऊपर वाला देखता है? हाँ देखता होगा, तू दिखाती रहे ऊपर वाले को। मैं तो चला। कहाँ चले फूफा? मैंने तेरे भी फूफा बुला रखे, आइयो जरा। अरे 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 तुम कौन? अरे शेख चिल्ली तू तो बहुत चालू निकला। ता, मैंने 1.25 किलो तेल पिला लाठी को। ऊपर के बच्चे तेरा कमीना बंदा मैं पहले जान गया था, तू क्या मैं तेरा भी फूंक पाऊं? कभी नहीं मान रहा हो भाई। शेख चिल्ली मुझे माफ कर दे, आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करे कभी। भाई शेख चिल्ली मेरे तो गलती होगी, अब मैं कभी जिंदगी में फूफा नहीं बनने का। जाओ माफ किया, माफ किया अम्मी। सही कह रहा है। हाँ शेख जी ठीक है, अम्मी ने रुखसाना ने माफ किया, जान दो भाई ने जाओ। अब हम फेर फेर लेंगे। ये मैकिंग सीन देखो दोस्तों। अरे मान जा साले। मैकिंग सीन कैसी होती है शूटिंग? कोड़ी तोड़ती, कोड़ी तोड़ती, कोड़ी तोड़ती। मैं बस रहना छोड़ दो। कोई नहीं जो तुम ले ली। रोल एक्शन बचाओ रे। मर गया चुड़ा दो। गलती है हमारे से, गलती है इसकी, गलती है क्या मम्मी? हाँ जी, और हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, इनकी गलती है वरना ये नौबत तो नहीं आती। फूफा अब निकल जा, चला जा यहाँ से। इतना बड़ा पूरी पुड़िया डाल दी मैंने, थोड़ी सी बचाई है, वादा कम बढ़ती पड़ लगे। अब बुआ सरपट घर में स्वाद आ रहा ना, बहुत आ रहा बेटा, खेच जा खेच जा। क्या बात हुई? खाओ खाओ। अम्मी इनका नाम लगा झट। अच्छा हाँ, इन्हें खाली सरवट खट हो गया पट। अरे बेटा ये तो मर गया। ओए